सत श्री अकाल जी, वर्ल्ड पंजाबी टीवी तुसी वेख रहे हो जी। मैं अमर गाजीपुर बॉर्डर से असी मौके पर मौजूद हाँ। तो तुम दस देने भरमा हुंगारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैक्टर मार्च नू भी लैके हालांकि तैयारियां जड़ियां शुरू हो चुकिया ने, वो भी तुम लगातार असं विखावे। पर ताज़ा अपडेट की है, वड्डी खबर की है, ये तुम दस देने। वड्डा सवाल आज का यही रहेगा कि ट्रैक्टर नू ग्रीन सिग्नल मिलेगा। हालांकि रूट मैप भी आ चुका है, सूत्रा के हिसाब के नाल जो रूट मैप आया दर्शकों नाल वो सब तो पहला साझा कर देने हैं। जड़ा रोड मैप तैयार किया गया है किसानों से दिल्ली पुलिस के विचाले, वो तुम दस रहे हैं। सिंघू बार्डर, टिकरी बार्डर, गाजीपुर से प्रदर्शन कर रहे किसानों का रोड मैप हूँ फिलहाल तैयार हो चुका। हालांकि दिल्ली पुलिस कह रही है कि किसानों ने रोड मैप देना हैगा, उस तो बाद असी इस पर विचारांगे। पर किसानों का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, कल हालांकि देखने को मिलया, किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया नाल भी गलबात की। उन्होंने दसिया कि प्रशासन नाल सहमति कितने हद तक बनती हुई नज़र आ रही है। तो अज किसान वीर जड़े ने ऐलान भी कर देंगे कि रूट मैप की हैगा। पर साढ़े को जानकारी हैगी है रूट मैप की हैगा। शाहजहाँपुर बार्डर से पलवल च बैठे किसानों नू ट्रैक्टर परेड के लिए हालांकि जड़ा रूट है निर्धारित नहीं हुआ है, ये ताज़ी अपडेट तुम दस दें। पर सिंघू बार्डर के किसान सिंघू बार्डर तो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट कछावला बवाना तो वापस सिंघू बार्डर तक ट्रैक्टर परेड कढ़णगे, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। टिकरी बार्डर के किसानों लई जानकारी साढ़े कोल है, किसान टिकरी तो चल के नागलोई, मुजफ्फरगढ़, डासा, बदली, KMP तो होंदे हुए वापस टिकरी तक ट्रैक्टर परेड जी है कढ़ते हुए नज़र आवणगे। गाजीपुर बॉर्डर वास्ते ताज़ा अपडेट ये आ रहा है कि किसान गाजीपुर तो चल के अफसरा बार्डर, गाजियाबाद, दुहाई हुंदे हुए सीधा वापस गाजीपुर बार्डर तक ही आउणगे। तो फिलहाल ये रूट मैप जड़ा हैगा तैयार हो चुका है, जड़ी ताज़ा जानकारी साढ़े को आ रही है। पर दिल्ली पुलिस भी इस मुतलक की कुछ कहती है ये अज साफ हो जाएगा। फिलहाल सवेर का समय असी किसान वीर दिना गलबात करांगे, चर्चा करांगे कि किसान परेड रैली नू लैके जां फिर ये जड़ा हरी झंडी का फरमान सामने आया। एक होर जानकारी कि 100 किलोमीटर तो वध रूट मैप जड़ा होगा किसानों का होगा, यानी 100 किलोमीटर तो वध ट्रैक्टर मार्ग जड़ा है किसान हूँ कढ़ सकणगे। हालांकि पहला इन्होंने कहा कि सानू आउटर रिंग रोड का रस्ता दिता जाए, उसते सहमति नहीं बनी है। किसानों ने कहा कि ठीक है जो उसते सहमति नहीं बनती है, साड़ी कोई जिद भी नहीं है, असी सिर्फ ट्रैक्टर मार्च करना हैगा, रूट कोई भी होवे सानू अनुमति दी जाए। तो फिलहाल चंगी खबर है, वधिया खबर है, लोगों नाल भी गलबात करांगे। सत श्री अकाल जी। रोड मैप के लिए अब प्रशासन तो चलिए आज मान ही जाएगा, रोड मैप देना है, लेकिन चलिए एक बड़ी जीत कहें किसानों के लिए। बड़ी जीत है जी सर, बड़ी जीत अच्छा है। एक रोड पे आगे हमारे को कोई भी रोड नियुक्त कर दे कि इस पर इस रोड पे हमारे को वो निकालनी है रैली, उसी का ये मंजूर है हमारे को। हम यही कहना चाहते हैं जी, हम सब साथ हैं। किसान यूनियन काफी खुश नजर आ रहे ने। गलबात कर दे बाबा जी। सत श्री अकाल जी। बाबा जी चलो इन्हों का तय हैगा कि हुन ट्रैक्टर परेड रैली होगी किसानों की, तो इतिहासक लम्हा होगा, की कहोगे इस ते? इस ते से यही कहा भी सरकार नू कहने भी अपने जिहड़े काले कानून जिहड़े बनाए हैं उन्हें तुम वापस लो, किसानों ना परेशान करो, ना सानू रैली कढ़ने की लोड़ नहीं सी, ये वापस लैंदे। ये अपनी जित है, सरकार जिहड़ी भी है जिन्हें भी कानून बनाए इन्होंने अपनी जित विच अड़ी है, इन्हों का असं बहिष्कार करते कानूनों का, इन्हों समाप्त करो तो किसान अपने घरों जा। प्रशासन तो इसे गल तो डर रहा है कि उस दिन प्रदर्शन ना होवे, कोई रैली इस तरह की ना होवे कि देश के जश्न च खलल पवे। किसान तो कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि शांतिमय तरीके असी प्रदर्शन करांगे, पर यह यकीनी भी बनाना साढ़े लिए जरूरी होगा, खास तौर पर नौजवानों को समझाने की लोड़ होगी कि कोई खलल ना पाओ या फिर देश विरोधी नारे ना लाओ घट्टो घट्ट उस दिन। ये प्रशासन है वो साढ़े बच्चे हैं, साढ़े भरा हैं, साढ़े प्यो हैं जो इतने बिच हाजिर हैं, ठीक है साला साड़ी उन्होंने कोई ऐसी गलबात नहीं है दुखदाई, तो सिर्फ यही है प्रशासन साड़ी भी मोदी सरकार ना भी साढ़े कानून पास करना, तो असं घर चलीए साड़ी कोई गलबात, असं ठंड बैठे हैं तो आप देख ही रहो कि बन रहा इतने किसानों का इतने, ठीक है ना। चलो ठीक है, अगे लै चलते तुहानू होर किसानां नाल गलबात करावांगे। तुसीं देख सकदे हो सवेर दा माहौल हैगा, तो हर कोई लंगर भी चखदा होया नज़र आ रहा है, काफ़ी वड्डी भीड़ नज़र आ रही है तौर तक, तो होर किसानां नाल भी गलबात करांगे। बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं, चलिए ट्रैक्टर मार्च तो अब निकालेंगे, निकालेंगे साहब, इनसे बात करो। चलो ठीक है जी, तो अगे होर लै चलते तुहानू होर किसान वीर दे नाल भी गलबात कराएंगे। तुसीं देख सकदे हो सवेर का समय हैगा, तो सवेर तो ही जिहड़े वॉलंटियर ने लगातार सेवा करते हुए नज़र आते हैं, तो कड़ा प्रसाद जड़ा हैगा वरताया जा रहा हैगा, तो
अंदर की तस्वीर भी तुम दिखाने अंदर सेवादार किमें सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ट्रैक्टर परेड जड़ी हैगी किसानों की वह भी मुकम्मल तौर पर कढ़ी जाएगी तो गलबात करन दी असी कोशिश भी करांगे ते होर भी साडे नाल जड़े किसान ने ओ लगातार जुड़ते नजर आ रहे हैं। सत श्री अकाल बाबा जी। हाँ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। बाबा जी चलो इन्ना तो वधिया होया कि सलाह मशवरा लंबा चलिया पर सहमति बनती नज़र आ रही है किसानों ते सरकार दे विच दिल्ली पुलिस हुण किते ना किते अनुमति दिंदी नज़र आ रही है एक वड्डी जित कही है इसनूं। हाँ जी बिल्कुल असीं दिल्ली प्रशासन का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्हां ने किसान भरावां नूं दिल्ली जाण वास्ते अपनी सहमति दिताई आ उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद आ। बाकी जिहड़ा भी कोई काम चंगा करेगा उहदा अपना फर्ज़ बनदा कि उहदा धन्यवाद थैंक यू करना जरूर चंगी गल वा। रूट मैप कोई भी होवे चलेगा? नहीं रूट मैप जिहड़ा वा उह जो लिखा जाणा वा क्योंकि ट्रैक्टर ट्रालियां बहुत ज़्यादा वा रिंग रोड जिहड़ी दस रहे सी उह रोड छोटी आ ते उहदे ते आपणे ट्रैक्टर ट्रालियां पूरे नहीं होणे हैगे ते उहदी हुण मीटिंग होणी आ अज्ज जिहड़ा रोड वा मार्ग वा दस्या जाणा वा उहदे ते चलांगे। फसा इन्हां दा तय बाबा जी डेमोक्रेसी नूं नए तरीके नाल डिफाइन कीता जाएगा हुण? वेखो जी ये तो डेमोक्रेसी तो नवें तरीके नाल जे आपां सहमति जितावांगे तो होएगा ही सारा कुछ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी चलो ठीक है अगे होर गलबात करते। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल। खुश हो 26 तरीक ले हुण जाओगे? बिल्कुल जी अं पहला भी तैयार हाँ कोई जाना ना जाता अं तो इतने बैठे ही हाँ तैयार हाँ बिल्कुल अं तो 4 दसंबर से आए 26 तरीक से जाने वास्ते बैठे इतने सर। हाँ जी तो की तैयारी है उस दिन के लिए मतलब खास तौर पर देख रहे हैं ट्रैक्टर को सजाया जा रहा है तो शक्ति प्रदर्शन इनू कही है या फिर शांतमई तरीके गणतंत्र दिहाड़ा बनाने की तैयारी? सर एक कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है अं ऑलरेडी परेड करी दी है 26 जनवरी पहला भी अं परेडा शामिल रहे हैं पहला अं अपने घर च रहे हैं अज अं अपने काले कानूनों लैके दिल्ली के रोडा से हैं पर अज भी शांतिमय तरीके दे नाल ही है। ये ट्रैक्टर जिहड़े तुहानू सजे दिखण डए है ना ये ट्रैक्टर पहला भी किसानों से सजे ही रहे हैं क्योंकि किसान किसानी करता है और कोई दूजा कोई काम है नहीं गा ये तो सिर्फ एक भाजी जिहड़ियां डैकां लगियां ट्रैक्टर के उत्ते एक टाइम पास आ अपनी खेती करनी आ नवें यंग पीढ़ी आ खेती करती है ये उस वास्ते आ बाकी साडा होर कोई दूजा मोटिव नहीं है साडा शांति शांतिपूर्वक तरीके ना उदन की परेड करन दा तरीका दस। बिल्कुल जी बहुत वधिया गल कही शांतमई तरीके नाल प्रदर्शन करन दी तैयारी की जा रही है अगे लै चलते तुहानू होर तस्वीरां भी विखावांगे। सवेर दा समय तुसीं देख सकते हो नौजवानों च किवें तो किवें जो जड़ा है हुण तो ही वेखण नूं मिल रहा हैगा हालांकि कुछ होर नौजवान भी इत्थे नज़र आ रहे ने इन्हां नाल भी असीं गलबात करन दी कोशिश करांगे। सत श्री अकाल वीर जी। वीर जी हुण तां तैयारी खिच्ची होणी 26 तरीक दे लई गलबात बन गई है हुण? हाँ जी फुल जी तैयारी खिंची है फुल तैयारी खिंची अपनी गांह जान की। सरकार नूं की मैसेज है इस तो बाद? सरकार नूं मैसेज यही कि अपने कल काले कानून वापस ले अपने किसान वीर जी घरों करी जान। उस दिन वीर जी शक्ति प्रदर्शन तो नहीं होगा मतलब कहा जा रहा है प्रशासन में डर से कि देश विरोधी नारे ना लगन कितने भाजपा वाले की तुम फसीयत ना कर दो जिमें पंजाब च हो रही हैगी है इस करके मतलब कहा जा रहा है कि शांतिमय तरीके ही प्रदर्शन किया जाऊगा? शांतमई तरीके ही किया जाएगा बिल्कुल शांतमई तरीके ही किया जाएगा कोई ऐसा कुछ नहीं होएगा क्योंकि जिमें अगे वाले आगू कहे उमें ही पिछे पिछे उन्होंने सब कुछ किया जाएगा। बिल्कुल जी अगे होर भी तस्वीर दिखा रहे सवेर तो ही जड़िया तैयारियां ने तुम देख सकते हो किवें होंदिया हुई नज़र आ रही ने। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल जी। वीर जी तैयारी खिंची हुई है 26 तरीक लई फिर? हाँ जी पूरी तैयारी है जी। चलो प्रशासन नाल गलबात तो बन गई है ये डेमोक्रेसी जी है हुण नवे तरीके डिफाइन होगी तो इतिहासक लम्हा होगा? बिल्कुल जी इतिहासक लम्हा हो बिल्कुल बिल्कुल इतिहासक लम्हा हो हर कोई तैयार नज़र आ रहा है तो रूट मैप भी तुहानू असीं दस्या जिहड़ा सूत्रा दे हवाले तो आ रहा है तो तुसीं देख सकते हो सवेर के समय प्रशादे की सेवा जी है वह शुरू की जा चुकी है सवेर तो ही जिहड़ा सिलसिला है इस तरह दौड़ता नज़र आता है हर कोई अपने कामां च रुझिया नज़र आ रहा है सेवा हर कोई करता नज़र आ रहा लंबी भीड़ तुसीं देख सकते हो किवें लगी हुई है लंगर का माहौल तुसीं देख रहे हैगे हो सवेर का समा तो उम्मीद करते हैं कि 26 तरीक नूं ये जिहड़ा इकट्ठ है ये लखां दी तादाद दे विच नज़र आऊगा। सत श्री अकाल अंकल जी। जी सत श्री अकाल जी। किधरों आए बाबा जी? बाजपुरों जी। अच्छा 26 तरीक लई पूरी तैयारी हुण? हाँ जी तैयारी है जी। खुश हो? खुश है जी खुश हाँ जी बिल्कुल खुश हाँ। हालांकि तुहाडी उम्र देख के लगता हैगा कि तुसीं काफ़ी गणराज दिहाड़े देखे होने ये नवा वखरा नौजवान पीढ़ी लिख मिसाल बनूगा? हाँ जी बिल्कुल बनेगा जी नवा मिसाल बनेगा बिल्कुल इतिहास से लिखा जाएगा। हाँ जी ये 2021 लिखा जाएगा बिल्कुल। चलो चंगी खबर ये है कि 2021 जड़ा हैगा वो सारे दे लई हुण चंगा साल चढ़ के आया हैगा तो कह सकते हैगे आ कि किसानी जित भी किते ना किते इस साल च जे मिली तो 2021 होर भी ज़्यादा शुभ जड़ा है मन्या जाएगा। तो अगे लै चलते हैं तुसीं ये तस्वीरां देखो नौजवानों
ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੋ ਫਾਰਮਰਸ ਨੋ ਫੂਡ ਦੇ ਪੋਸਟਰਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਟਿੱਕਰ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਆਈ ਲਵ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭਸੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਝੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰਹੇਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਏਜੰਡਾ। ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹਰੇਕ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਹਰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੱਖਣਾ ਪੜੇਗਾ ਹਮੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਜ਼ਹਿਨ ਮੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿਆ ਕਹੇਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਕੋ ਕਿਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ ਕਿਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਕਿਆ ਮੈਸੇਜ? ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮ ਲੋਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਸਭ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜੇ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਮਾਨੀ ਜੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਲਵ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਵੀਰੇ? ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? 10th। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਣਰਾਜ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਨੋਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ? ਪੂਰੀ। ਘਰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਡੈਡੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਡੈਡੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਡੈਡੀ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੇ 26 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਰੇ ਰਹੋਗੇ? 26 ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਖੇਤੀ ਨਾ ਰਹੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖੇਤੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਵੀਰ ਜੀ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੂਰਨਪੁਰ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਮਨ 'ਚ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਣ ਹੀ ਆਏ, ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੰਨੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, 2021 'ਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ? 2021 ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਹਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ 2021 ਮਤਲਬ। ਹਾਂਜੀ, 2021 ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦਾ, ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਨਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, 26 ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਆ? ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਦਾਂ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਣ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਡਿਸਪਲੇਨ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਪੂਰੇ ਡਿਸਪਲੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਸੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 26 ਤਰੀਕ ਲਈ। 26 ਤਰੀਕ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ
खिंची हुई है हर किसी रे, हर कोई भब्बा पार नजर आ रहा है। सत श्रीकाल अंकल जी। सत श्रीकाल जी। 26 तरीक लिए पूरी तैयारी, खुश हो हुण? हाँ जी, पूरी तैयारी है, पूरे किसान बस चढ़ के आ रहे हैं अपने एरिए चो भी, वही उत्तराखंड चो काशीपुरों। अच्छा जी, बहुत वधिया चल रहा है, अवेल पकौड़े चाह रहे छकन डे हैं। एक किसानी एकता करके पॉसिबल होया कि प्रशासन ने चुकना पे? किसान करके प्रशासन ने चुकना पे। हाँ जी, की कहोगे? फिर भी मंगा तो उइया रहनगियां कि वो प्रदर्शन करके दोबारा फिर आ जाएंगे, मंग फिर दोबारा मना लेंगे, सरकार को चुकना ही पड़ेगा। नहीं चलो, सरकार प्रशासन का इस मामले से चुकिया, थैंक्स कहोगे उन्हों का जो फिर पूरे कानून रद्द कर दे, फिर धन्यवाद कहोगे? पूरे कानून रद्द करेंगे फिर धन्यवाद कहेंगे। काफ़ी वड्डी गल कही। हाँ। अंकल जी सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। किधरों आए हो जी? अभी उत्तराखंड चो आए हैं, कश्मीर सिंह नाम मेरा। अच्छा जी, तो दसो किन्ने दिन तो? अभी अजय रात आए हैं। रात आए हो? रात आए हैं। अच्छा, 26 जनवरी करके। नहीं हूँ काफ़ी खुश लग रहे हो, थोड़ी स्माइल दस रही हैगी है कि चलो 26 तरीक इतिहास हाँ, और कानून रद्द हो जाएंगे तो होर खुश हो जाएंगे सारे, पूरा देश खुश हो जाएगा। कि 26 जनवरी देखी होनी है, पर इतिहासक हो गई। पहली 26 जनवरी इतनी वेखन आए हैं, बाकी तो रोज लोकल जो वेंदे रहे हैं। किसानी झंडे हेठ हो गए ना, वक्री आ। हाँ जी, हाँ जी, वक्री है बिल्कुल। ये लगता बाबा जी कि नौजवानों लिए एक वड्डा मैसेज होगा, ये जेडे बाहरले मुल्क वाले किसान भी हालांकि दबे कुचले रहे हैं अजे तक, पर पंजाब के ते सारे किसानों देश के किसानों देख के भारत के उन्हें भी हौसला वध्या है। सारे नौजवानों में इन्ना जोश वध्या हद तों ज़्यादा, तो सारे नौजवान सारे जुड़े, सारा हिंदुस्तान जुड़ गया, बाहरलियां कंट्रियां जुड़ गई इस अंदोलन के नाल। सब तो वक्री एक हिंदुस्तान के पहली रैली ट्रैक्टर की हो रही है, किसानों की जी रैली हो रही है। बिल्कुल, हाले फिर भी प्रशासन को रूट मैप जाना है, उस तो बाद उन्होंने सिग्नल देना है। लगता है किसानों के ट्रैक्टर हरी झंडी मिलू? हाँ जी, मिलेगी झंडी? मिलेगी, 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 कह मिलेगी जी, सवाल वा बिल्कुल मिलूगी। नौजवानों भी यह समझाओगे कि उस दिन असी कोई इदा दा काम नहीं करना, शांतमई तरीके कोई खुरापात नहीं करनगे, अपने शांति ढंग ना ही चलेंगे। नौजवानों साड़ी यही अपील है कि बिल्कुल खुरापात नहीं करनी, अपनी बिल्कुल शांतमई ना चलेंगे। इधर आओ बाबा जी, गवर्नमेंट का थैंक तो अं करा अगर बिल रद्द करेगी तो इन्हों का तो संसद है, रोड तो है नहीं साढ़े, दिता सूँ की ये रोड तो साढ़े ही ने, अपने रोडा तो है जाने सूँ कोई दिता थोड़ी कुछ रोड पर यह तो कह रहे कि 12 बजे तो बाद करो, तुम 12 बजे बाद क्यों करिए, जो रोड ही साढ़े जो दिल करो उदो करा ना। हले सूत्रा दे वाले तो खबर है, हले रोड मैप तो चलो देना है, उस तो बाद सारा कुछ नहीं वो है ही साडा देना, सू कि देना मेरी करना लै कमाल की गल, जो चीज ही साड़ी जो मर्जी हो, अगर साढ़े बिल रद्द कर दें तो गवर्नमेंट का थैंक असं करने जो तो साडा रोड ही साडा अं जाना जो दिल करे उदो जावे। की कह रहे बाबा जी, इतने कैमरे सामने आके बोलो। अच्छा हूँ नहीं बोलना, हाँ जी तुम बोलो की कह रहे जी। मैं कह रहा वा भी ये तो मतबल ही नहीं, अं 12 बजे तो बाद रैली कटेंगे, इतने 72 घंटे 80 घंटे नहीं निबड़ सकती रैली, इन्हें इन्ना ज्यादा ट्रैक्टर 2-3 लाख ट्रैक्टर होगा घट्टो घट्ट हो गया जी, कल यूपी तो 2-3 लाख है, सारे ओवरऑल सारे सूबे पंजाब हरियाणा यूपी उत्तराखंड सवेर तो लेके शाम तक की गल हजार की गिनती आ रहे हैं, हजार की गिनती फिर किसानों लिए भी एक वड्डा चैलेंज है, किसान आगुआ लिए भी किवें हैंडल करिए आप? हाँ बिल्कुल हैंडल होजूगा, मैनेज हो जूगा, बिल्कुल मैनेजमेंट हो जूगी। अच्छा हाँ जी, कोई इतने दिक्कत नहीं आऊगी। तो साफ तौर पर बाबा जी कह रहे कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, नौजवानों भी गलबात करते। इधर आ वीरे सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल, की हाल है? वधिया। केड़ी क्लास चो? हम 8th। 8th चो। अच्छा ये पहली बार देखोगे हुण तुसी किसानी रैली, 26 जनवरी वाली सरकारी वाली तो नहीं देखी कदे? जाके जावांगे 26 तरीक नू मोर्चा हल करके आवांगे। अच्छा हाँ जी, चलो जोश जज्बा जनून साफ तौर पर नज़र आ रहा है, अगे चलते हैं होर वीर नाल भी गलबात करांगे, तो दिखाने की कोशिश करांगे किवें चहल पहल नज़र आ रही हैगी आ, तो डेमोक्रेसी नू नवें सिरे तो डिफाइन किया जाएगा हुण, ये तो गल तय हैगी आ। तुसी देख सकते हो नौजवान वीर साढ़े, सवेर का समा तो हर कोई अपनी जिम्मेदारियाँ तो जाण तो पहला सवेर का नाश्ता करता होया नज़र आ रहा है, हालांकि अंदर दी मैं तस्वीर तुम दिखा रहे हैं VMC संघर्ष नायक दे राष्ट्रीय प्रधान का एक कैंप हैगा, तो अंदर तुम देख सकते हो तस्वीर के विच मीटिंग चलती हुई नज़र आ रही है, तो गलबात भी ये लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। 5 वख-वख रूटा तो फिलहाल ट्रैक्टर परेड होगी, पुलिस खुद अपने बैरीगेड हटावेगी, ये खबर साढ़े को सामने आ रही है। तो 26 जनवरी दिल्ली के अंदर सिर्फ परेड ही होगी, कोई भी किसान दिल्ली के अंदर नहीं बैठेगा, ये भी प्रशासन दलीला दिंदा नज़र आ रहा है।
तो इधर तुसी देख सकते हो साढ़े बुजुर्ग हालांकि माहौल बनाते नज़र आ रहे हैं, फिर तो चर्चा करते हैं। सत श्रीकाल वीर जी। हाँ जी सत श्रीकाल अंकल जी। संगी क्यों जाते हो तुसी? नहीं ये तो ठीक है, तुसी काम करो, पर जड़े काम लिए आप आए हैं वो भी जरूरी है, उस पर गलबात भी करना जरूरी है। मैं इन्ना सवाल पूछता 26 तरीक लिए की तैयारी है? 26 तरीक होना काम, 26 तैयारी है, 26 तैयारी है। तो 26 की तैयारी साफ तौर पर कही जा रही है कि हालांकि माहौल तुम देख सकते हो अलग अलग रंग इतने भी नज़र आएंगे, हालांकि कोई जिम्मेदारी निभा नज़र आ रहा है, कोई वाकई ड्यूटी करता नज़र आ रहा है, तो सेवा भाव हर किसी के दिल च नज़र आया। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। की कहना चाहोगे? इस तरह जी कहना यही चाहवांगे मोदी सरकार नूं कि देखो मोदी सरकार अड़े रवैया अपनाया होया, एक पासे तो कहिंदे कि 2022 तक ही आमदनी दूनी कर देनी आ, पर जिहड़ी हैगी सी उह वी लै के डुब गए, दूनी तो दूनी कित्थे होर माइनस कर दित्ती इहनां ने। मोदी सरकार दिमाग तो कम लवे, जे दूनी आई करनी है ना साथों पुछ लवे, अहीं दस दिंदे आ उहनूं। ਜੇ ਅੱਜ ਦੱਸੀ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ C2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਯੂ ਦੂਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਤ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੜੋ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ C2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿਓਗੇ? ਤਾਂ ਕੁਛ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1,00,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ APMC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ MSP ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹੈਗਾ, ਡਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ 20 ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੱਦ ਇਹੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ੰਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ? ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਡਕੈਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਦ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ। ਅੰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਅੰਬਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਉਹਨੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੇ FCI ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕਰੇ FCI ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, FCI ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇ? ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਾਂ ਮੰਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵਿਪੋਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਜ MSP ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚਲੋ, ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੰਮਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ। ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਪਰ ਰੂਟ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਟ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਨ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਰਕਾਰ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਰੇ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਡਬਲ ਡੇਕਰ ਵਾਲਾ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਡਬਲ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ? ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਸੁੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਘੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਘੱਲਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ। ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਦਾਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ,
है अब अल्लाह नूर पाया कुदरत सब बंदे ये तो सब तो उच्चा रुतबा है रब न रब दो मूहरे तो कोई नहीं जित पाया उत्थे तो संगत ही जितती है। बिल्कुल तुसी कुछ कह रहे वीर जी। हाँ जी असं कहना चाहते हाँ कि मोदी सरकार ये अड़ियल रुख छड़ के आ पब्लिक वालों वेखो किन्ने भोले भाले किसान इतने आए हैं किन्नी ठंड में किन्ना मौसम खराब है अपना घर छड़ के आए अपने बच्चे परिवार छड़ के इतने आए हैं दो महीने हो गए ने 150 तो उपर साढ़े किसान की सहायता हो गई एक बार भी तुसी हाय की किसी भी आखिर कोई छोटा जहा बच्चा खा बीमार हो जाता कोई भज के उत्थे पहुँच जाते जी एम्स लै जाते जी है ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੈਂ ਸਾ ਇਹ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਆਉਣ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਅਬ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਂ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪ ਫਰਮਾਈਏ ਕਿਆ ਬੋਲੇਂਗੇ ਆਪ ਜੋ ਪੁੱਛੋਗੇ ਆਪ ਬਤਾਈਏ ਚਲੀਏ ਅਨੁਮਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਆਪਕੋ 26 ਕੇ ਲਈ ਕਿਤਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ 26ਵਾਂ ਪੂਰੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸੇ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਇਤਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਘੇਰ ਲੇਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਚੈਨਲ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਵੀ ਇਸਮਾਂ गलतियाँ भी हम मुट्ठी भर बताते हैं चैनल पर बैठ कर जो डिबेट में बैठते हैं बीजेपी के प्रवक्ता में मुट्ठी भर बताते हैं कुछ जिस दिन ठंड कम होगी उन बीजेपी के जो चैनल पर प्रवक्ता डिबेट में बैठते हैं उनकी औकात हम बनेंगे किसान जो इतना बुरा कानून है चौधरी चरण सिंह ने जमीन ने यानी आप संकेत दे रहे हैं कि फरवरी को बड़ा आंदोलन बहुत बड़ा फरवरी में इतना हो जाएगा चारों तरफ से दिल्ली घेरी जाएगी ना कि बॉर्डर एक सड़क नहीं घेरेंगे आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या करती है सरकार क्या करती है उसके बाद ये बॉर्डर नहीं घेरने के चारों तरफ से दिल्ली घेरेंगे जो छोटा गली भी है रास्ता भी है उसे भी हम बंद करेंगे ये चैनल पर बैठ बैठ कर बड़े बड़े बातें करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता उनके औकात हम बताएंगे हम क्या हैं किसान कितने हैं और हम अगर ये लोग कहेंगे कि किसान तो गृह युद्ध कर रहे हैं फिर क्या कहेंगे देश हमारा है इनका नहीं है देश हमारा गृह युद्ध देश हमारा है इनका देश नहीं है ये लूट कर खा गए ये जमीन हमें चौधरी चरण सिंह ने दी ये मोदी हमारी जमीन छीनना चाहता इन्हें हम बताएंगे हमारे वोट से बने ये इनके औकात का है MP MLA गाँव में घुस भी नहीं सकते जरा से मुट्ठी भर बताते थे हम कभी खालिस्तानी भी कहते हैं कभी हम देश इनका नहीं है देश ये हमारा है किसानों का देश है तुसी की कह रहे पापा जी गल है पुत्र भी इन्हों के प्यो का ध्यान नहीं असी पाकिस्तान तो आए हाँ हुण ये थोड़ा कि असी पाकिस्तानी हो गए मैं असी उत्थे दो पिंडा दे मालिक सां पूरे दो पिंड एक पिंड की जमीन ही नहीं सी आई एक पिंड की जमीन आई और वह भी चौथाई हिस्सा ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਇਹ ਖੋਣਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਗਏ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਐਡਾ ਆਮ ਆਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਵਾਂ ਪਿਆਰ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਖਲੋਏਗਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਆ ਪਾਤਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਰੇ ਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਰੇ ਦਾ ਪਿਓ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਆਪ ਇਹ ਵਿਕੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
आप बताइए, 26 किले तो चलिए अच्छी चीज़ ये है कि पॉजिटिव संकेत मिलते नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये डेमोक्रेसी के लिए ऐतिहासिक लम्हा होगा। और दूसरे जो और देशों के किसान हमें देख रहे हैं, हमारे किसानों को देख रहे हैं, उन्हें एक नई शक्ति मिली है कि अपने हकों के लिए कैसे लड़ा जाए। मिर्जा गालिब ने कहा था कि चमन में एक तलाक के रंगों बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। डेमोक्रेसी क्या होती है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, इस वाज सेड बाय गांधी। आज उल्टा हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट बाय द कैपिटलिस्ट फॉर द पीपल। उद्योग उद्योग के लिए सब कुछ बोला क्या है कि मिडिल मैन को खत्म करना है, समझ रहे हो? हम हमारा आलू होता है उदाहरण के लिए 8-10 रुपए का बिकता है, बाजार में 30-40 रुपए का, बीच वाले खाते हैं। एक सबसे बड़ा लाला है सलवारी बाबा, इसको लाला बोलते हैं, नामदेव, इससे बड़ा लाला है तो पूरे वर्ल्ड में बैठा, उसका नाम है लाला का WTO। वो क्या करता है? बिजनेस की बात करता है, व्यापार की बात करता है, उसके रास्ते में जो भी आ जाए वो खा जाएगा। और वो क्या बोल रहा है कि जो एग्रीकल्चर की सब्सिडियाँ है ना, ये एम्बर बॉक्स, उसमें जो जाऊँगा डिटेल में, वो थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। एग्रीकल्चर की सब्सिडियाँ होती है एम्बर बॉक्स की, उसमें बोला कि ये सब्सिडियाँ देते हैं MSP वगैरह, फर्टिलाइजर और ये इलेक्ट्रिसिटी, ये ना को डिस्टोर्ट करती हैं, व्यापार को बाधित करती हैं। अब आप मुझे बताइए, कृषि क्या व्यापार है क्या? बताओ आप, है ना बकवास। बोला क्या सरकार ने? सरकार ने क्या बोला है कि APMC में खामियाँ हैं, ये अर्थ ये वगैरह हैं, 24% टैक्स लगाते हैं 2% का, बैंक में 8-10% होता है, मानते हैं उस बात को, खामियां हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, पुलिस में 85% पुलिस वाले करप्ट हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है वो बताती है, क्या हम पुलिस को बंद कर दें? ये बोल रहे हैं APMC से बाहर है, 3.5 करोड़ केस जुडिशरी में पेंडिंग है, क्या जुडिशरी को बंद कर दें? बोलो आप, ये कौन सा लॉजिक है? 43 पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हैं अकॉर्डिंग टू ADR की रिपोर्ट आती है वो बताती है, क्या पार्लियामेंट को बंद कर दें? कौन सा लॉजिक है ये? पर किसान तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना, तो इन्हें क्या दिक्कत है फिर? किस चीज़ की? वही बोल रहा हूँ ना मैं, हकों के लिए खड़े हैं। APMC से बाहर क्यों? केवल 6% किसानों को मिलता ना MSP, और वो APMC मंडियाँ तो ही मिलता है हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न UP में, और कहीं नहीं मिलता। तो अगर APMC से बाहर उत्थान होता तो 94% हुआ। फ्यूचर क्या है किसान का? फ्यूचर तो काला है, ऐसे रहेगा तो काला है, सबको पता है। लेकिन फ्यूचर काला हैगा तो साफ तौर पर नौजवान एक नज़र आ रहे हैं, तो साफ तौर पर हर कोई उत्साहत हैगा कि चलो 26 तरीक के लिए शाम तक पॉजिटिव खबर सामने निकल के सामने आएगी, पर इतिहास को लम्हा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकुल दे नाल, अमर शर्मा, रिपोर्ट वर्ल्ड पंजाबी TV।